The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं आपके कहने पे और आज हम बनाएंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस पे वीडियो। आप ही की डिमांड पे लैक्टेज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टेज डेफिशिएंसी, मिल्क इंटॉलरेंस, दूध पीने से दिक्कत, दूध पीने से पेट खराब, दूध नहीं पचता, क्यों नहीं पचता, क्या होता है ये, कब होती है बीमारी, बचपन से है, बड़े होने के बाद हुई, पहले तो पचता था अब क्यों नहीं पचता, सब सवालों के जवाब आज मिलेंगे। कैसे ठीक होगा, कैसे प्रिवेंट होगा, क्या परमानेंट इलाज है कि नहीं है, सब आज पता चलेगा आपको। एज यूजुअल सारी जानकारी वेरीफाइड ऑथेंटिक US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से रेफरेंस्ड, आप भरोसा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वीडियो आप ढूंढना चाहें हमारे चैनल में, अपने पसंदीदा टॉपिक का नाम लिखिए और डॉक्टर एजुकेशन साथ में लिखिए, आपको उस टॉपिक पर अगर कोई वीडियो है तो मिल जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक तरीके का शुगर है जो कि दूध में मिलता है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स में मिलता है, और आपके शरीर में जब ये जाता है तो आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है लैक्टेज, ये चाहिए होता है आपके शरीर में इस दूध के लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके शरीर में ये सही मात्रा में नहीं बन रहा, सही मात्रा में, या तो जीरो है ये नहीं कह रहा, सही मात्रा में भी नहीं बन रहा, तो भी आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा। क्यों होता है? देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर भरपूर मात्रा में ये लैक्टेज एंजाइम होता है ताकि वो दूध डाइजेस्ट कर सके, तो पीते ही दूध है तो वो दूध डाइजेस्ट कर सके और माँ का दूध डाइजेस्ट कर सके, दोनों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे जो प्री मेच्योर पैदा हो, जो टाइम से पहले पैदा हो जाए, उनमें लैक्टेज लैक्टोज इंटॉलरेंस बचपन से हो सकता है, ठीक। और कुछ बच्चे जो फुल टर्म पैदा हो, जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है जेनेटिकली, उनमें भी ये प्रॉब्लम दिखने में 3 साल तक वक्त लग सकता है कि 3 साल तक उनको कुछ नहीं, 3 साल के बाद एकदम दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो पहला रीजन ये जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, और ये लेकिन एडल्ट्स में भी बहुत कॉमन है, एडल्ट में उस उम्र में जाके एकदम से होने लगा, तो ये बहुत कॉमन है बड़े लोगों में भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इससे जान नहीं जाती, ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, राइट, ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, पर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। और होता तो क्यों होता है? होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट, या तो वहां चोट लग गई, यहां वहां काम नहीं हो रहा, यहां कुछ तो इशू है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके काम नहीं हो रहा, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपने, आपको इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हो गई थी, ऑपरेशन हुआ था किसी कारणवश, अपेंडिक्स का ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन हुआ था, पेट खुला था या फिर आपका लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो, उसके बाद हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। या फिर सबसे कॉमन जो सबको होता है, पेट में इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सबको होता है पेट में इन्फेक्शन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको हुआ, बचपन में तो हुआ ही हुआ है, उल्टा सीधा बच्चे खाते ही हैं। तो पेट के इन्फेक्शन के बाद पेट में जितना लैक्टोज बनना चाहिए, लैक्टेज बनना चाहिए था, उतना नहीं बन रहा, कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, राइट, तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जो स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज करती है, जैसे कि सीलिएक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे सीलिएक डिजीज और क्रॉन्स डिजीज हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी इंटेस्टाइन का डिजीज है और लैक्टेज का खेल स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। सो जेनेटिक डिफेक्ट या फिर कोई डैमेज हुआ, इसके वजह से आपके शरीर में लैक्टेज एंजाइम सही मात्रा में नहीं बन रहा, तो जब लैक्टोज जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, आपको दिक्कत करता। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत? दिक्कत किसी को कम, किसी को ज़्यादा हो सकती है। जैसे ही उन्होंने दूध या दूध का कोई प्रोडक्ट लिया तो उसके 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बाद तक, 30 से शुरू हो सकता है, 2 घंटे से शुरू हो सकता है, क्या शुरू हो सकता है, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में क्रैम्स आ सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, गैस बन सकती है, आपको फ्लैटुलेंस, नीचे से हवा पास हो सकती है और उबकाई आ सकती है, ये सब हो सकता है, ठीक। लेकिन जान नहीं जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट।
पता कैसे करें कि आपको ये है? आप डॉक्टर के पास जाओगे तो पहली चीज डॉक्टर करेगा, और जो ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS उसको रूल आउट करें, और दूसरी बीमारियां क्रॉन्स डिजीज जो हमने बताई सीलेक्स पर उसको रूल आउट करें कि वो तो नहीं है। उसको रूल आउट करने के बाद जब हमको लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात आती है तो उसके लिए टेस्ट्स हैं, जैसे तीन टेस्ट हैं। एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट है, एक है लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, एक है स्टूल pH, स्टूल का pH, राइट। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। ट्रीटमेंट का उद्देश्य है आपको दिक्कत ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दूध की मात्रा, दूध और दूध जिसमें लैक्टोज होता है उस सब प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट की मात्रा कम कर दें या बंद कर दें। जैसे ही आप बंद करोगे आपके सिम्टम्स कई 90% ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। और कई ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं पैकेज्ड फूड में जिसमें हिडन सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर लैक्टोज हो सकता है, नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स में भी, यहाँ तक कि कुछ बियर्स में भी ये होता है भाई साहब, जी हाँ। तो आपको थोड़ा लेबल पढ़ना है, लेबल पढ़िए हर चीज़ का, कहीं उसमें लैक्टोज वर्ड तो नहीं है, लैक्टोज, राइट। और जिनके अंदर ऐसे भी लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टोज बनता है लेकिन कम बनता है, लैक्टेज बनता है कम बनता है, तो इन लोगों में ऐसा होता है कि वो एक कप दूध पी सकते हैं, मतलब 100 ml तक दूध पी लिया तो चल जाता है उनको, 100 ml में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन जैसे ही डबल पिया, 200-250 ml पिया, उनको दिक्कत शुरू हो जाती है, राइट। सो ये एक एडजस्टमेंट आप करके देख सकते हो कि कितना दूध आपको सूट करता है। लेकिन कुछ ऐसी और चीज़ें हैं, दूध के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनमें लैक्टोज कम होता है तो वो आपको सूट कर सकते हैं, वो आप डाइजेस्ट कर पाओगे, जैसे कि छाछ, बटर मिल्क, छाछ या बटर मिल्क, चीज़, इनमें लैक्टोज कम होता है दूध से कंपेयर करने पे। दही, दही फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, इसमें भी लैक्टोज कम होता है। बकरी का दूध, गोट्स मिल्क, वो उसमें भी कम होता है। फिर लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है, लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्ट आता है, या फिर अब तो गाय के दूध को लैक्टेज एंजाइम से ट्रीट करके भी दिया जाता है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, राइट। या सोया के इन्फेंट फॉर्मुलेशंस आते हैं छोटे बच्चों को देने के लिए, या सोया मिल्क, राइस मिल्क्स आते हैं, वो भी आते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने खाने पीने में या अपने दूध में लैक्टेज एंजाइम डाल दो, या खाने पीने में लैक्टेज की एंजाइम्स खाओ, उसके कैप्सूल आते हैं, उसकी टैबलेट आती है, लैक्टेज फ्री डेयरी प्रोडक्ट आता है, बंदी कर दो, आपके ऊपर है, राइट। आपको देखना होगा आपका एडजस्ट कैसे हो रहा है। जो लोग दूध नहीं पीते उनमें एक और दिक्कत आ सकती है कि जो लोग दूध बंदी कर देते हैं उनके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लेविन और प्रोटीन्स की कमी हो सकती है, खासकर वेजिटेरियन लोगों में। तो उन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि 1000 से 1500 mg कैल्शियम आपको रोज़ चाहिए अपनी उम्र के, अपनी जेंडर के अनुसार, तो आपको कहीं ना कहीं से तो कैल्शियम लेना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के लिए डॉक्टर से अपने बात करें, ले लें, या फिर आप कैल्शियम रिच फूड खाएं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, नॉन वेज हैं तो मछलियाँ खाएँ, सार्डीन्स, ऑयस्टर्स, सैलमन, श्रिम्प, ऐसी चीज़ों में कैल्शियम बढ़िया है, या फिर ऑरेंज जूस पिए जिनमें एडिड कैल्शियम्स होता है, राइट। ऐसी चीज़ें करें, राइट। और याद रखिए ज़्यादातर केसेस में जैसे ही दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स कम करते जाते हैं सिम्टम्स, दिक्कत खत्म हो जाती है, कम होती जाती है, राइट। और डाइटरी चेंजेस से आराम आ जाता है। लेकिन अगर बच्चों में ये दिक्कत है लैक्टोज से, दूध से, और अगर आप कुछ नहीं करते हो, दूध पिलाए जा रहे हो, उनको पेट में गड़बड़ होते जा रही है लंबे समय में, तो उनकी ग्रोथ भी सही से नहीं होगी, उनकी हाइट, उनकी वेट, उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, ग्रोथ सही से नहीं हो रही, उसको दूध नहीं पचता, उसको बार बार पेट में ब्लोटिंग होती है, गड़बड़ हो रही है, उसकी दिक्कत बढ़ती जा रही है, उसको नए नए सिम्टम आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाओ, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बात करो, लैक्टेज एंजाइम डाल के देखो, दूध बंद करके देखो, कुछ तो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, जैसे कोई तरीका नहीं है जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सके, राइट। आप सिर्फ लैक्टोज वाली, दूध वाली चीज़ें बंद करके इसको प्रिवेंट, अवॉइड कर सकते हो। इसी बीमारी को हम कहते हैं मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टेज डेफिशिएंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, और इसका परमानेंट क्योर कोई नहीं है,
अगर आपके इंटेस्टाइन डैमेज हो चुके हैं, अगर आपके अंदर वो कंजेनाइटली जन्मजात एंजाइम नहीं बनता, तो नहीं बनता, आप उसके साथ लेते हुए जी सकते हो, राइट। और अगर आपके इंटेस्टाइन को कोई इंजरी हो गई, जो अगर इस वक्त आपको पेट में इन्फेक्शन है, तो उस वक्त हो सकता है कि इन्फेक्शन के भार से, उसके चलते, उसके इन्फ्लामेशन से एंजाइम नहीं बन रहा और वो ठीक हो जाने के बाद बन जाए, तो टेम्पररी लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है। इसलिए हर गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दूध की जगह दही दिया जाता है, दूध की जगह दही, राइट। सो टेम्पररी हो सकता है, तो आप अपने इंटेस्टाइंस का ख्याल रखें, हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी डिफिशियंसी सही हो जाए, लैक्टिस बनने लगे, आपकी दिक्कत कम हो जाए, आप ज़्यादा दूध पी पाओ, या फिर अगर नहीं हो रहा, अगर आप पी पाते हो ऐसे, तो थोड़ा 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 इसको बढ़ाते जाइए, सालों में हो सकता है आपकी क्षमता सालों में और बढ़ती जाए और आगे चल के आपको दिक्कत ही ना हो, ये आप कर सकते हो, ठीक। ये हुई बात दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस की, लैक्टिस डेफिशिएंसी की। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अनगिनत रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक पे, सो आपका काम है शेयर करना, तभी आपके लिए नए वीडियोस आते रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।